हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी सकी रुको। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, उम्मीद करती हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी प्रेगनेंसी भी बहुत ही हेल्दी और हैप्पी चल रही होगी। दोस्तों, आप में से बहुत सी ऐसी महिलाएं होगी जिनका महीना शुरू हो चुका होगा या फिर लगने वाला होगा, और जैसे ही प्रेगनेंसी के आखिरी महीने चल रहे होते हैं, जैसे आठवां और नौवां महीना, तो महिलाओं के मन में यही आता है कि उनकी नॉर्मल डिलीवरी होनी चाहिए। तो गर्भवती ये सोचने लगती है कि उन्हें क्या करना चाहिए इन महीनों में कि उनकी नॉर्मल डिलीवरी हो और कोई भी उन्हें दिक्कत ना आए, क्योंकि महिलाएं जानती है कि नॉर्मल डिलीवरी अच्छी मानी जाती है और डिलीवरी के बाद इसमें आपके जो रिकवरी है वो जल्दी से होती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम नॉर्मल डिलीवरी के लिए ऐसे ही कुछ टिप्स जानेंगे जिससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी 100% कन्फर्म हो जाएगी अगर आप ये टिप्स अपनाना शुरू कर देंगे तो। और ये टिप्स आपको डिलीवरी के 15 से 20 दिन पहले फॉलो करनी है। तो अगर आप 15 से 20 दिन पहले भी ये चीज़ें करती है तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी कन्फर्म हो जाएगी। तो वो कौन सी चीज़ें हैं, चलिए जानते हैं। लेकिन जानने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो ज़रूर करें। अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है तो इसे लाइक ज़रूर करें। तो देखिए दोस्तों, जो डिलीवरी डेट डॉक्टर आपको देते हैं आपकी पीरियड डेट के हिसाब से, आपको उस डेट को फॉलो करना है जिसे EDD कहा जाता है। तो उसके 15 से 20 दिन पहले आपको ये काम करने शुरू कर देने हैं, और ये काम आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे समय से बच्चेदानी का मुंह खुलने में और साथ ही बच्चे को समय से नीचे खिसकने में। तो सबसे पहला काम है, आपको डिलीवरी डेट के 15 से 20 दिन पहले गुनगुना पानी पीना शुरू कर देना है। गुनगुना पानी ये आपकी बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है नॉर्मल डिलीवरी में। ये आपकी मसल्स को, खास तौर पर आपकी पेल्विक मसल्स को लचीला बनाता है, जिससे कि आपका बच्चा प्राइवेट पार्ट के रास्ते आसानी से बाहर आ सके और आपकी आसानी से नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। और गुनगुना पानी पीने की वजह से आपको कब्ज की समस्या भी नहीं रहेगी। इससे पहले आप देख रहे होंगे कि आपको बहुत ज़्यादा टाइट पॉटी आ रही होगी, पेन हो रहा होगा, और रेगुलर डेली भी आपको पॉटी नहीं आ रही होगी, आपको दो चार दिन छोड़कर इस तरह से आपका पेट साफ होता होगा। तो गुनगुना पानी पीने से आपको ये दिक्कत नहीं रहेगी, और आपकी ये कब्ज की दिक्कत बच्चे को सही पोजीशन लेने में, बच्चे को नीचे आने में प्रॉब्लम बन सकती है, तो इसलिए गुनगुना पानी ज़रूर पिए। दूसरी चीज़ें दोस्तों, गर्म तासीर की चीज़ें, और इसमें बहुत सी चीज़ें आती हैं, जैसे कि आप खजूर ले सकते हो दूध में बॉईल करके, इसके बाद आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो। इससे पहले अब तक अगर आप ड्राई फ्रूट्स को भिगोकर खा रहे थे तो अब 15 से 20 दिन पहले आपको ड्राई फ्रूट्स को वैसे ही खाना है बिना भिगोए। इसके अलावा आप केसर दूध लेना भी स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपने अब तक नहीं किया है, या फिर आप हल्दी वाला दूध भी ले सकते हैं। एक चुटकी हल्दी डालकर आप हल्दी वाला दूध बनाकर भी पी सकते हैं। अगर आपको ऐसे ही ड्राई फ्रूट्स खाना पसंद नहीं है तो आप इसके लड्डू बनाकर भी खा सकते हैं। आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद है इसे अच्छे से मिक्स करके आप इसके लड्डू बना लीजिए, और डेली सिर्फ एक ही लड्डू आपको खाना है। इसके अलावा आप तिल वाले लड्डू भी बनाकर खा सकते हैं। तिल भी तासीर में गर्म होता है और ये आपकी नॉर्मल डिलीवरी करवाने में काफी मदद करता है। ये आपकी बच्चेदानी के मुंह को सॉफ्ट बनाता है, जिससे कि वो जल्दी जल्दी फैलना शुरू हो जाता है और समय पर पूरा खुल जाता है। तो ये चीजें आपका सर्विक्स का मुंह ओपन होने में मदद तो करती है, साथ ही आपके जो पेल्विक मसल्स है उसको फ्लेक्सिबल बनाती है, जिससे कि नॉर्मल डिलीवरी के समय आपका बेबी आसानी से फिसलते हुए बाहर आ जाए। तो इनमें से आप 2 से 3 चीज़ें ले सकते हो डिलीवरी के 15 से 20 दिन पहले। नॉर्मल डिलीवरी के लिए घी का इस्तेमाल आपने सुना ही होगा, आपके घर में ही आपको दूध में घी डालकर पीने की सलाह दी जाती है, लेकिन बहुत सी महिलाओं को इसका टेस्ट पसंद नहीं आता है। और अगर जो महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें कब्ज की समस्या रहती है तो उन्हें दूध में घी डालकर पीने से और ज़्यादा कब्ज की समस्या रहती है, तो ऐसे में आपको गुनगुने पानी में घी का इस्तेमाल करना है, घी को मिक्स करके उसे पीना है। और अगर आप गुनगुने पानी में भी नहीं पीना चाहती है तो आप जो भी सब्जी दाल वगैरह खा रही है उसमें भी आप घी डालकर उसका इस्तेमाल कर सकती है। घी भी बहुत ही पुराने समय से नॉर्मल डिलीवरी के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद माना जाता है, तो आप डिलीवरी के 15 से 20 दिन पहले इसका सेवन शुरू कर दीजिए। जैसे कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपकी डाइट तो ज़रूरी होती है, लेकिन साथ ही आपकी जो फिजिकल एक्टिविटी है वो भी बहुत ही ज़रूरी होती है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रहती है 9वें महीने में तो बच्चे को नीचे फिसलने में काफ़ी ज़्यादा मदद होती है, आपका जो पेल्विक एरिया है वो फ्लेक्सिबल रहता है। जब आप फिजिकली एक्टिव रहती है तो बच्चे को नीचे खिसकने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है। तो अगर आप शुरुआत से वॉक नहीं कर रही हैं तो 9वें महीने में आपको हर हाल में वॉकिंग ज़रूर करना चाहिए। अगर आपके आप डॉक्टर ने आपको कहा है कि बेड रेस्ट करने के लिए, तो ऐसी कंडीशन में आप ना करें। अगर आपकी नॉर्मल प्रेगनेंसी है तो ऐसे में आपको सुबह 30 मिनट और शाम में 30 मिनट वॉक ज़रूर करना चाहिए 9वें महीने से। साथ ही आप 9वें महीने से स्क्वेटिंग करना भी शुरू कर दीजिए। स्क्वेटिंग आपको किस तरह से करनी है, जिस तरह से आप इंडियन टॉयलेट में बैठते हैं उसी पोजिशन में आपको बैठे रहना है, या फिर उसी पोजिशन में आपको डक वॉक करनी है।
इससे क्या होता है, आपकी पेल्विक मसल्स पर प्रेशर पड़ता है और बच्चा आसानी से जल्दी जल्दी नीचे की तरफ खिसकना शुरू कर देता है और बच्चेदानी का मुंह भी जल्दी से खुलता है। तो आप स्क्वेटिंग कर सकते हो और बटरफ्लाई एक्सरसाइज भी आप कर सकते हो। अगर आप एक्सरसाइज करने में कंफर्टेबल नहीं है तो आप घर के काम कर सकती है। घर के काम करने से भी आपकी एक तरह की एक्सरसाइज ही होती है, जैसे कि आप झाड़ू पोछा लगा सकती हो उकड़ू बैठकर, लेकिन तभी जब आप कंफर्टेबल हो। लेकिन अगर आप अनकंफर्टेबल है, आप अच्छा फील नहीं कर रही है इस तरह से इस पोजिशन में बैठकर, तो आपको ये नहीं करना चाहिए। इस तरह बैठने से आपके पेट पर भी बहुत दबाव पड़ रहा है, तो आपको ये नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ आपको आपकी डिलीवरी डेट तक अपने लेबर पेन का वेट करना है। इससे पहले आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि मुझे पेन नहीं आ रहा है, मुझे क्या करना चाहिए। आपको जो डॉक्टर ने डेट दी है डिलीवरी के लिए, तब तक आपको लेबर पेन का वेट करना ही है। अगर तब तक भी आपको लेबर पेन नहीं आ रहा है तो आपको ऐसी कंडीशन में डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए। तो दोस्तों, इन टिप्स को आप जरूर फॉलो करें, आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड Thanks for watching.